गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी इंटरवल चल रहा है फ्रेंड्स, देखिए मेरे सभी बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बूंदे भी पड़ रही हैं, बढ़िया बूंदों की फुहार, और बच्चे एकदम आनंदमयी ढंग से खेल रहे हैं जब तक इंटरवल है, और उसके बाद क्लास में बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे। खेल लो भैया, तू तो टाटा बाबा ही करते रहते हो। फ्रेंड्स देखिए मैं आ गया घर, और पूरा आधा भीग गया हूँ, आधा बचा हूँ, और इधर देखता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। देखो बच्चे भी होशियार हो गए, गीला पूरा। देखो ये जैकेट मेरी कल क्या पहन के जाऊंगा, कपड़े चेंज करो सबसे पहले, कल दूसरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। कल है 26 जनवरी, और गीले कपड़े पहन के मुझे जाने पड़ेंगे। अच्छा, और कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? कहाँ कपड़े, कम है ना, जैकेट एक जैकेट है मेरे पास। चलो उठ जाओ, जल्दी से कपड़े चेंज करो, बातें ना करो। एक जैकेट है, सच बता रहा हूँ, एक है वो थोड़ा ज्यादा पुरानी है, डैमेज है, वो अच्छी नहीं है, पहनने लायक नहीं है ज्यादा। चलो तो इनको कपड़े चेंज करने देती हूँ, मैं फटाफट से चाय बना देती हूँ। आज पक्का इनको सर्दी पकड़ेगी, क्योंकि मौसम एकदम से खराब है, एकदम बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सुबह से बादल पड़े हुए हैं। देखो पूरी छत पे गीला 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 पड़ा है। इधर लोग कैसे काम कर रहे हैं, झोपड़ी बना ली है। ये देखो जॉब को क्या कहते हैं, वो पेट के लिए इंसान को करना ही पड़ता है, कितनी मुश्किल झेल रहे हैं, क्या किया जा सकता है। बच्चे पालने के लिए बाप कितनी मेहनत करता है, ये बच्चों को सोचना चाहिए। सबसे पहले मैं चाय बना दूं, पता चले कि सर्दी पकड़ ले तो सारे काम मुझे ही करने पड़े, वैसे भी तो कुछ काम आते नहीं है ये, है ना। सुनते रहो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने कपड़े पहन लिए, ठंडा रहा हूँ भाई, क्या करूँ। इधर देखता हूँ आरती की चाय रेडी हुई है कि नहीं है। पकते ही पकते पकेगी भाई, चाय कोई हवा में तो पकते ही जाएगी। अच्छा, और एकदम अभी 4:30 के लगभग टाइम है, ऐसे अंधेरा हो रहा है जैसे रात हो गई हो। हाँ, एकदम अंधेरा हो गया, और जो मजदूर लोग काम कर रहे थे वो भी भाग गए, इतनी ठंडी है, एकदम हवा हवा चलने लगी है, बहुत ठंडी हवा चलने लगी। चाय तुम्हारी रेडी है, हाँ जी पी लीजिए, और आप लोग भी आके पी लीजिए। और बारिश वाली चाय, इवनिंग चाय, बारिश वाली चाय, आज ठंडा बहुत है इसलिए, वैसे तो शाम को नहीं बनती है, सुबह सुबह मॉर्निंग में ही बनती है। और फ्रेंड्स इधर आरती मट्ठा पेरने लगी, देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दी के लिए, सर्दी के लिए, सर्दी का मौसम है, स्पेशल कड़ी, गाजर की कड़ी, जो मेरी सासू माँ ने मुझे अभी बना के खिलाई थी, और मैंने फर्स्ट बार खाई, मुझे बहुत टेस्टी लगी। तो उसके लिए क्या होता है, 2 से 3 गाजर कट कर लो, और इधर ये ढेर सारा लहसुन और हरी मिर्ची अदरक, इसको मतलब पीसेंगे नहीं, पेस्ट नहीं बनाएंगे इसको, केवल कूचेंगे। अच्छा, इसको अच्छे से कूचने से टेस्ट अच्छा आएगा। बहुत यम्मी लगी थी आपकी बात, वो सूट नहीं कर पाया था जिस दिन मम्मी ने बनाई थी। हाँ, मजा आ गया था, तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ साफ करने वाले आता पाते नहीं पाते, कोशिश पूरी रहेगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, एक बार बनाओ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आरती हलवाई धान पीसते हुए, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट नहीं बना रही, पेस्ट बनाना होता मिक्सी में बनाती हूँ। अच्छा, पूछ रहे थोड़ा बेसन डाल के उसका गोल बना लेंगे, बस यही प्रोसेस, बाकी का सेम पकौड़ी वाला रहता है, केवल इसमें स्पेशल जा रहा है वो हरी मिर्ची और लहसुन, तो सारी सब्जियों पर पड़ता है। मैं कड़ी में लहसुन नहीं डालती, तड़के में डालती हूँ बाद में, और सासू माँ ने साथ में डाला था, वो भी ऐसे ही कूच के, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, पुराने हाथ है ना, पुरानी चीज को चीज कहते नहीं, बहुत अच्छी होती है, रियल में अच्छी होती है। ओल्ड इज गोल्ड, रेसिपियों के बारे में ज्यादा खास पता नहीं है, बस ट्राई करती रहती हूँ नया नया। हाँ ये तो है, आपकी कोशिश करती रहती है बनाने की।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर हार हो भी जाए फिर दोबारा ट्राई करो फिर आप दोबारा ट्राई करो। तो ये लहसुन अदरक इसको अच्छे से मैंने कूच लिया है, मतलब दर दरा इसको वो करना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। और इसमें लगाएंगे हींग का तड़का। तो अब इसमें लगाएंगे तड़का, तड़का लगाएंगे हींग, लाल मिर्ची, कुटा हुआ लहसुन अदरक, हरी मिर्ची का पीस। अब इसमें ना अलग से तड़का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। लहसुन पहले से ही नहीं, इसका टेस्ट पहले से ही बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहो उसके क्या कहते हैं कलर के लिए तो लगा भी सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। और ये लहसुन ब्राउन हो चुका, इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी, साथ में ये गाजर। बाकी के मसाले डाल देंगे, लाल मिर्ची अपने अनुसार, क्योंकि मिर्ची उसमें काफी जा चुकी है पहले से, और धनिया। नमक नहीं डालेंगे, नमक डालने से क्या होता है जब हम इसमें दही बेसन का पेस्ट डालेंगे तो ये फट जाएगा, नमक डालेंगे लास्ट में। और इसको गाजर को हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे एक मिनट के लिए, हल्की से सॉफ्ट कर देंगे इसको। तो ये लगभग आधा केजी दही है और इसमें डालेंगे बेसन लगभग एक कप। बेसन को डाल के अच्छे से फैट लेंगे इसको मिक्स कर लेंगे बढ़िया से, इसको कोई भी लम्स ना रहे, बस थोड़ा पानी और डालेंगे इसमें। गाजर हमारी सॉफ्ट हो चुकी है हल्की सी, देखिए आराम से फूट रही है। अब इसमें डालेंगे ये दही और बेसन का घोल और बस चलाते जाएंगे इसको। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। कड़ी बनने की स्थिति में आ चुकी है, अभी नहीं आ चुकी है, जब तक इसको चलाना रहता है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और उबाल आने के बाद फिर नमक डाल के और मीडियम फ्लेम पे कम से कम 15 से 20 मिनट पकाना रहता है इसको, तब जाके ये अम्मी बनती है। ये जल्दबाजी में कड़ी नहीं बनती है, अच्छी नहीं बनती है, बनती है अच्छी नहीं बनती है। अच्छी नहीं, चलो अच्छी बना, भले ही 2-4-6-10 मिनट ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, जब तक कड़ी पकेगी तब तक रोटियां सेके फिर कर दूंगी। बस टेस्ट आना चाहिए हमें और बच्चों को, बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है इनको जब कड़ी बनती है, इनकी फेवरेट है कड़ी। गाजर की कड़ी, गाजर चक्कर लगा रहे हैं, गाजर की कड़ी वैसे मैंने कई बार खाई है, ऐसा नहीं फर्स्ट बार खाई है, पर ये जो सासुमान बनाए थे उस तरफ से मैंने फर्स्ट बार खाई थी, तो मुझे बहुत यम्मी लगी, बहुत पसंद आई, इसलिए मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ उसी को। खुशबू तो अभी से एकदम बढ़िया आ रही है, बाद में पता चलता है कैसी बनती है। आप लोग भी आके टेस्ट करो घर पे बना के टेस्ट करना, बन तो जाए पहले तब टेस्ट कराना। वो सी शक्ल बता देती है किसी चीज का ना, अच्छा बनना होता है तो उसकी जो होती है ना शक्ल पहले से ही बता देती है ना, हाँ ये अम्मी बनी। हाँ आप तो सही कह रही है, शक्ल इसकी बढ़िया। गाजर दिखाई दे रही है, शक्ल अच्छी है। कुछ भी बोला करते हैं। और इसमें उबाल आ चुका है, अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और गैस को कर देंगे थोड़ा मीडियम। अब इसको स्लो स्लो पकने देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, 5-7 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट और पकाएंगे बस कड़ी बनकर रेडी। चलाती रहोगे या नहीं? अब नहीं चलाने की जरूरत नहीं है। और ये कड़ी पकते पकते कम से कम 10 से 12-15 मिनट हो चुके हैं, कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है एकदम से। देखो ये
इसकी यही पहचान होती है, ऊपर एकदम ये जमा जमा हो जाता है, ऐसे करके जम जाता है। परफेक्ट बन चुकी है, गैस कर देंगे बंद। और एक तरफ कुकर में मैंने फाइनली चावल चढ़ा दिए, क्योंकि क्या होता है बच्चों के आगे नहीं चलती है, वो जिद कर रहे थे वो चावल ही खाने चावल ही खाने, तो अब चलो कोई नहीं है, वो कढ़ी के साथ नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि कढ़ी गर्म होती है, बनाई तो सर जी की सर्दी सही करने के लिए, तो मुझे लग रहा है चावल खा के और पकड़ लेगी सर्दी और हो जाएगी। तो सीटी आने देते हैं, उसके बाद देती हूँ बच्चों को निकाल के। हाँ जी, तब तक मैं अपना और काम कर लेती हूँ, सर्दी तो फ्री रहते हैं, बस फ्री रहता हूँ। सर्दी का क्या है, सर्दी तो जब भी वो तो फ्री रहते हैं, लेके कैमरा घूमते रहते हैं इधर से उधर, और क्या काम है तुम्हारा। हाथी का लड़ने का मूड कर रहा है मुझे लग रहा है। क्या है ना, लड़ने का तो मूड करेगा, एक महीने से घर पे थे तो तुम्हारी मम्मी के सामने मैं लड़ नहीं पाई, है ना, ये। तो होता है ना, ये कहीं मेरी बेटी से लड़ रही है। अब अकेले में लड़ेगी आरती, ज्यादा तो लड़ना ठीक है, कौन बचाने वाला कौन देखने वाला है नहीं। लड़ना नहीं चाहिए अच्छे से, अभी तो मेरी क्या कहते हैं मेरा वो आ चुका है, क्या सरकार, आरती की सरकार आ गई भाई, गवर्नमेंट ऑफ आरती, लहसुन और कड़ी पत्ता जो मेरे पास है नहीं, आपके पास हो तो अवश्य लगाए, लहसुन कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची का वैसे जरूरत नहीं है, उसमें टेस्ट पर्याप्त है, अगर कलर के लिए लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाए। अच्छा, बाकी टेस्ट में और बच्चे बताएंगे खाके आरती ने कैसी बनाई है, अच्छी है खराब है, टेस्ट कर लिया मैंने, यम्मी बनी है, जजमेंट देंगे अभी थोड़ी देर में। मुंबई की चली जाओगी तुम देखते रहियो, ऐसे काम कराओगे नहीं तो चली जाओगी, सुना था ये ना, झूठ बोले को कल कहो ऐसे नरियो, मुंबई के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, कभी से मैं डरने वाला नहीं हूँ, फिलहाल खाना निकालो जल्दी, खाना तो बढ़िया, बारिश हो रही है टपर टपर, आवाज आ रही होगी फ्रेंड्स, वो तेज गरज रहा है यार, गरज भी रहा है काफी तेज, तो मुझे लग रहा है कि ये सुबह तक रहेगी बारिश। हाँ, लेकिन झंडा तो फहराना ही है भाई, समय से जाना है, चाहे गरजे चमके जाओगे तो वो तो पर मौसम देख के निकलोगे, ऐसे नहीं है कि रेनकोट पहन के निकल जाऊंगा, गरजने के समय तो मैं नहीं, तो निकल ले दूंगा बारिश में एक बार के लिए, निकल जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, झंडा तो फहराना ही है ना आरती, हाँ तो वो कोई दिक्कत नहीं है, समय से फहराना, भीग जाऊंगा तो भीग जाऊंगा एक दिन, क्या जाए आज भी भीग के आयोगी, बारिश पड़ने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, बीमार पड़ जाऊं या सर्दी हो जाए कोई वैसे टेंशन नहीं है, बस तिरंगा समय से फैलना चाहिए, एक चीज है हाँ, कि अगर वो हमारा चैनल अच्छे से ग्रो कर गया चल गया हाँ, लोग ये कहेंगे डेली एक ही बात लेके बैठ जाती है हाँ, तो मेरा जो एक ड्रीम है क्या कहते हैं वो सिंगर बनने का, उसको भी मैं ट्राई करूंगी हाँ। साथ में बाथरूम सिंगर से बाहर आऊंगी हाँ, किचन सिंगर से बाहर निकलूंगी, ये लो भाई एक और सपना, आरती पता नहीं कितने ड्रीम देख रही है, नहीं मैं मेरा केवल मतलब शौक है मुझे गाना गाने का हाँ। और शर्माती थी अभी तक, ये कह लो शर्माती नहीं थी, शर्माती थी आरती, नहीं सुनाती मैं, नहीं सुनूंगी अपने, मैंने शादी से पहले भी तुमको बहुत गाने सुनाए, शादी के बाद भी बहुत गाने सुनाए, तो किससे शर्माती थी, कहीं शर्माती थी, हजार बार कहने पर भैया एक बार सुनाती थी आरती, बहुत रिक्वेस्ट कराते वो भी गम भरा गाना सुनते थे सर जी हमसे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से दिल तोड़ के बैठे थे, गाना हमसे सुनते थे गम भरा, ये लो बात वो लगाना सुनते थे भीड़ में तनाई में, बात उनी लड़के नहीं सुनते थे, भीड़ में तनाई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, यही गाना अक्सर ये सुना करते थे उनसे शादी से पहले फोन पे, आप बताइए मैं तो मिलने ही वाली थी ना,
फिलहाल मतलब कुछ महीनों में आने ही वाली थी, तो मेरे लिए तो हो ही नहीं सकता है वो, तो होगा किसके लिए वो। फिलहाल मुझे कड़ी चावल याद आ रहा, जल्दी बातें कर ले आगे तो आप लोग भी खा लीजिए कड़ी चावल यम्मी यम्मी। बात बदलने में मायने सर जी हमारे, ठीक है फ्रेंड्स आइए भोजन डिनर कीजिए। मेरी जिंदगी हाँ तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं। इसके एक एक शब्द गम भरे थे, वो वही गाना तो सुनते थे। चलिए कोई नहीं, ये तो बातें चलती रहती है, हंसी मजाक बात। वो खाना लेने दो मुझे पतली गली से निकलो और आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल हर्षित यशिका के साथ। वेट नहीं हो रहा है किसी से भी आज, बस यही रहेगा आज के व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कमेंट करना ना भूला करें। हमको अपना प्यार सपोर्ट देते रहे, इसी तरह आशीर्वाद उसकी हमको बहुत ज्यादा 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 जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। सर्दी से बचे, बारिश हो रही है इस समय, और गर्मा गर्म बेसन चावल जरूरी खाएं।